तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आज बनाएंगे हमारा बाटी चोखा नेचुरल फ्यूल से, फ्यूल का इस्तेमाल करके। ये है गोबर के उपले। इसको, इसमें जो है भूसे, गोबर और मिट्टी को मिलाकर अच्छे से गूंद कर इसको सुखा कर फ्यूल जैसे तैयार किया जाता है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा ईंधन है। साथ ही जो हमारी दाल है वो पकेगी मटके में। तो मटका आप देख रहे हैं, टेरिकॉट मटका है, काफ़ी मोटी तली का है, तो ये जल्दी टूटता नहीं है। लेकिन इसके नीचे जो है मिट्टी का लेप किया जाता है, मिट्टी के लेप से ये मटका पकने पे फटेगा नहीं। ये क्या चीज़ है? नहीं, ये पेट्रोल, पेट्रोल है, मट्टी का तेल। तो ये इसके बिना नहीं जलेगा ना? ये गोबर के उपले जो है बिना किसी फ्यूल के नहीं जलेंगे। इसमें डाला गया है केरोसिन, या कुछ लोग घी डालते हैं, डालडा वालडा डाल देते हैं। तो कहते हैं कि जब इसमें आलू और बाकी सब्जियां डालेंगे तो उसमें सोंधी सोंधी सी महक आती है। तो इसमें लेकिन हमको जो है हाड़ी यानी मटका रखना है जिसमें दाल पकेगी। तो वो दाल पकाना है तो हमने इसमें ईंधन डाला हुआ है, इसमें हमने केरोसिन डाला हुआ है। अब केरोसिन डालने से फ़ायदा ये है कि ये बहुत जल्दी जो है सुलगने लग जाता है, आग पकड़ लेता है। तो इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े करके डालना है नीचे की तरफ, और इसको साइड में पहले जलने देना है। और जब भी आप इसके ऊपर कुछ पकने रखेंगे तो कोशिश करें साइड में ईंटें रख दे, वरना ये गलता जाएगा और आपका बर्तन गिर सकता है। पे उपलों के ऊपर हमने हाड़ी तो रख दी है, लेकिन ध्यान देना है क्योंकि ये गिर भी सकता है, क्योंकि उपले देखिए गल रहे हैं, जलता जाएगा, गिरता जाएगा। इसमें फिर हमने डाल दिया पानी। यहाँ पे पानी को आपको पहले खौलाना है अच्छी तरह से, तो इसको हम ढक देंगे। और ढकने के बाद में जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तब आप इसमें दाल डालनी है। देखिए सपोर्ट के लिए ईंटें लगाए जा रहे हैं, ईंटें लगाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही हमारी दाल जो है धुल रही है इस वक्त, और धुल के हम इसको इस मिट्टी के हाँड़ी में डाल देंगे। कमाल देखिए, अगर आप चूल्हे पे पका रहे हैं ना, तो आपके पास चाहे कोई भी बर्तन हो, ये भगोना है, इसको नीचे से मिट्टी से लेप कर दिया गया, तो ये नीचे से जलेगा नहीं। और साथ ही ये दाल के कुछ इंग्रेडिएंट थे जो दाल में पड़ने वाले। दाल जो है पानी अच्छी तरह से उबल चुकी है, दाल भी उबल रही है। अब हम इसमें बाकी बचे हुए सारे इंग्रेडिएंट डाल देंगे। मिट्टी के बर्तन में देखिए एक प्रॉब्लम ये है कि इस तरीके से आने लग जाता है ऊपर, तो आपको जल्दी जल्दी इसको चलाना पड़ेगा, वरना पूरी दाल बह सकती है। तो अच्छे से चलाने के बाद में अब हम इसमें डाल देंगे अपने सारे इंग्रेडिएंट। इस वक्त हम डाल रहे हैं हल्दी, लहसुन, मिर्ची बारीक कटी हुई, और साथ ही नमक डाल देंगे। डालने के बाद में जो है दाल को आप ढक दीजिए अच्छी तरह से, ताकि उसमें उबाल आ जाए। एक और चूल्हा तैयार हो रहा है, क्योंकि हमको भगोने में पकाना है अपने चावल, और चावल की सफाई शुरू हो गई है। तो यहाँ पे चावल जो है साफ हो गए थे, और ये भगोना रखा जा रहा है चूल्हे पे। तो गांव देहात में आज भी ऐसे ही खाना बनता है, और ये फिर से हम जो है फ्यूल का उपयोग करेंगे। ये सारी सब्जियां जो चोखा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी अपनाना है। पानी जो है भगोने में डाल दिया गया, पानी में जब उबाल आ जाएगा तब इसमें डाला जाएगा चावल। यहाँ पे आप देख रहे हैं गोबर के उपले के साथ ही साथ पुरानी सूखी लकड़ी थी, तो उसका भी उपयोग किया जा रहा है, ताकि ये जो है देर तक जले। चावल साफ करने के लिए भी यहाँ गाँव वाला ही मेथड है। सूखा ये लाल आलू है, देखिए इसका कलर एकदम पिंकिश रेड टाइप है, अच्छा रहता है आजकल के हिसाब से। पुराने आलू सब्जी मीठा लगता है। अच्छा, पुराना आलू मीठा लगता है, और नए वाला आलू तो स्वाद अच्छा लगता है, टेस्टी रहता है। अच्छा।
अब मैं बता दूं, एक बात मैं बता दूं कि बाटी चोखा यहाँ पे लिट्टी बाटी बोली जाती है, बाटी को लिट्टी कहते हैं, चोखा यानी भरता। तो ये राजस्थानी बाटी और दाल से बहुत ही अलग होता है, खाने में भी बनाने का तरीका हर चीज़ अलग है। यहाँ आप देख रहे हैं कि भगोने में पानी उबल गया, तो चावल डालेंगे, इसको उबाल देंगे और इसकी जो माड़ है वो हटा देंगे और उबला हुआ चावल रहेगा। साथ ही हम तैयारी कर रहे हैं अब चोखे की। अब यहाँ पे बैगन में जो है एक लकड़ी से होल करके मिर्ची को डाला जा रहा है, तो ये मिर्ची के साथ साथ में लहसुन भी डाला जाता है और इसी बैगन को जो है रोस्ट होने के लिए जो उपले हमने सुलगाए थे उसमें डाल देंगे। अच्छा, उपलों पे अगर आपने कभी खाना खाया होगा तो आपको पता ही होगा वो कितना अलग टेस्ट का होता है, और गैस पे पका हुआ खाना बहुत ही अलग होता है, कभी ट्राई ज़रूर करिएगा। तो ये हमारा सॉर्ट ऑफ बारबेक्यू टाइप हम कर रहे हैं, इट इज़ नॉट बारबेक्यू बट काइंड ऑफ, कि क्योंकि ये हमारे स्कूल के पीछे का पोर्शन एरिया है, वहाँ पे हमने सोचा कि चलो आज बाटी चोखा लगाया जाए। वैसे मैं बाटी नहीं खाती हूँ लेकिन हमारे स्टाफ्स को बहुत पसंद है, और ये हमारे हेल्पर्स हैं जो हेल्प कर रहे थे ये सारी चीज़ें पकाने में। तो यहाँ पे देखिए उपले सुलग गए हैं और बैगन रखा जा रहा है, बैगन के अंदर मिर्ची डाली गई थी, तो मिर्च डालने के साथ ही ये इसमें जो टेस्ट भी है वो बदल जाएगा बैगन का। और बैगन को चेक मत करिए, बैगन पकने के बाद में चेक करिए कि वो अंदर कीड़ा वगैरह तो नहीं है कुछ, अच्छे अच्छे बैगन है वैसे, इस सीज़न में ज़्यादा कीड़े नहीं रहते हैं, तो बैगन को टाइम टू टाइम पलटते जाना है। साथ ही अब हम डालेंगे इसमें, बैगन अगर हो गया है तो अब बारी है टमाटर डालने की, तो टमाटर हमने डाल दिया है। टमाटर बहुत जल्दी पक जाते हैं इसलिए आपको टाइम टू टाइम इसको पलटना पड़ेगा, जब ये पलट के देखते रहिए कि जल ना जाए। उसके बाद बारी आती है आलू की, और जिस तरीके से टमाटर और बैगन पके वैसे आलू पकाना है। यहाँ पे तैयारी की जा रही है बाटी की, तो आटा, बाटी का जो आटा है लिट्टी जो है वो थोड़ा सख्त गूंधा जाता है। यहाँ दाल भी हमारी लगभग हो गई है, बैगन पक चुके हैं और टमाटर भी काइंड ऑफ रोस्ट हो गए हैं। तो जहाँ जिस हाड़ी में दाल पक रही थी वहाँ पे साइड में उपले थोड़े सही तापमान पे सुलग गए थे, तो हमने सोचा आलू उसी में डाल देते हैं। तो आलू आप देख रहे हैं इसी तरीके से डालना है, और चारों ओर आलू डाल देंगे हम, और आलू को जो है कम से कम 15-20 मिनट के बाद पलटिए, और बाहर से जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाने चाहिए, बाहर से जो इसका मॉइस्चर पूरा चला जाएगा, बिल्कुल जला हुआ सा लगेगा लेकिन वो जला हुआ नहीं रहेगा, वो बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर देगा आपके चोखे को। बैगन टमाटर हो चुके हैं तो देखिए बाहर से ऐसा दिखेगा, ये जो फ्लेवर देता है ना चोखे को, आई टेल यू इससे बढ़िया स्मोकी फ्लेवर आपको नकली कोयले पे पकाने से भी नहीं मिलने वाला है, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। दाल में जो है जैसे आप घर पे तड़का तैयार करते हैं वैसे तड़का तैयार करके डाल दीजिए, और साथ ही मैंने डाला है घर पे तैयार देसी घी एक बड़ा स्पून भर कर, और ऊपर से हमने धनिया स्प्रिंकल कर दिया है। ये चोखे के इंग्रेडिएंट है जो चीज़ें इसमें पड़ेंगी, इसमें है प्याज, मूली के पत्ते, मूली, अदरक, लहसुन और नींबू, और एक और इंग्रेडिएंट है मिर्च, धनिया, ये सारी चीज़ें जो है हमारे चोखे में पड़ेंगी। साथ ही हमारी टीचर्स थी जो साथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही थी सारे हेल्पर्स की, और देखते हैं चोखा का आउटकम कैसा होता है। तो ये चोखे में हम क्या क्या डाल रहे हैं इसमें, यहाँ पे प्याज है, लहसुन है, और धनिया है, मिर्च है, हरी मिर्च एंड मूली के पत्ते हैं, और ये अदरक है, और नींबू है। मूली के पत्ते भी पड़ते हैं चोखा में डालते हैं, मूली के पत्ते भी डालते हैं, जैसा कि ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी होता है तो हम इसको यूज करते हैं। तो ये मूली का पत्ता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बाटी जो है लिट्टी जो है वो पक रहा है गोबर के उपले की राख में, और जल्दी जल्दी इसको पलटते जाना है। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब ये इसको बहुत ज़्यादा गर्म तापमान पे नहीं सेकना है वरना ये जल जाएगा, फटाफट इसको पलटते जाइए। जब ये पक जाएगा तो राख जो है हम ऊपर से अच्छे से झाड़ के अच्छे से हटा के हमको इसका इस्तेमाल करना है।
तो ये सारी चीज़ें जो है हम सैलेड की तरह लेंगे। प्याज है, टमाटर, खीरा, नींबू, मूली, मूली के पत्ते, मिर्च, नीम और धनिया। आलू, बैंगन और टमाटर जो अच्छी तरह से पूरा पक गया था उसको हमने मैश कर दिया है। साथ ही हम ये जो चोखे के लिए इंग्रेडिएंट थे जो मैंने आपको बताया था वो सारी चीज़ें हम डाल रहे हैं इसमें। और अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक डालने के साथ ही हम इसको अच्छी तरह से जो है मिक्स कर देंगे। साथ ही आप इसमें सरसों का तेल भी डाल दीजिए, लगभग 2 बड़ा चम्मच, तो ये और ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगा। यहाँ यूपी में तो हम सरसों का तेल बहुत इस्तेमाल करते हैं लगभग सारी चीज़ों के लिए। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये सारी चीज़ें पक गई है, आप देख रहे हैं बाटी पकने के बाद कुछ ऐसी लगती है। चोखा हमारा प्लेट में आ गया है, कितना बहुत ही टेस्टी चोखा बना हुआ था। बाटी चोखा सर्व हो रहा है, सब कुछ रेडी था, हमारा खाना हमारे टेबल पे है। बाटी देखिए, घी में डूबी हुई बाटी कुछ ऐसी दिखती है। और इसको तोड़ने के बाद आप देखेंगे अंदर से बहुत ही सॉफ्ट रहती है और बाहर से थोड़ी सख्त है। इसको चोखे के साथ खाया जाता है, चोखा, दाल, बाटी और साथ ही चावल, सलाद, ये सारा देसी खाना है। आप उत्तर प्रदेश आएँ तो आप लिट्टी चोखा ज़रूर खाएं, ये यहाँ की स्पेशलिटी है। और इसी तरीके से बना हुआ खाएं, गैस पे पका हुआ नहीं, वरना वो स्वाद नहीं आएगा। तो व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, बाय।